हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इन द सीरीज ऑफ लेक्चर, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि अभी हम लोग यूकेरियोटिक सेल्स की बात कर रहे हैं, तो इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में हम लोगों ने यूकेरियोटिक सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिटेल में स्टडी किया। आज हम लोग उसी में आगे बढ़ते हुए सेल वॉल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि किसी ऑर्गेनिजम्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है और किसी में प्रेजेंट होती है, तो उसी यूकेरियोट्स में जो एनिमल्स हैं हमारे, उनमें सेल वॉल एब्सेंट थी। तो आज हम लोग जिस टॉपिक को कवर कर रहे हैं वो है हमारा सेल वॉल, और यूकेरियोट्स में कई ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो हम लोग देखते हैं वो कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट है और वो किस मॉलिक्यूल की बनी हुई होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं फंजाई की। फंजाई कैसा है? यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है और उसकी सेल वॉल किसकी बनी होती है? काइटिन की। नेक्स्ट है हमारा एल्गी। ये इससे कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि इसकी जो सेल वॉल है, इसका मटेरियल, इसके मटेरियल से कई बार क्वेश्चंस आए हैं। तो एल्गी में जिसकी सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? जो एल्गी की सेल वॉल होती है वो बनी होती है सेल्यूलोज की, मैनन्स की, गैलेक्टन्स, गैलेक्टन्स एंड गैलेक्टन्स एंड कैल्शियम कार्बोनेट। तो हम लोगों ने क्या देखा? एल्गी की जो सेल वॉल है वो किसके किसकी बनी हुई होती है? सेल्यूलोज, मैनन्स, गैलेक्टन्स एंड कैल्शियम कार्बोनेट। एल्गी क्या है? हमारे लोअर प्लांट्स हैं। अब जो हमारे हायर प्लांट्स हैं उसके बारे में क्या बात करते हैं हम लोग? उसकी जो सेल वॉल है वो किसकी बनी हुई है? जो हायर प्लांट्स हैं उसकी जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज एंड हेमी सेल्यूलोज की। तो सेल वॉल के केस में सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा? जो यूकेरियोटिक फंजाई, एल्गी, प्लांट्स, ये सभी यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट है। और एल्गी के, फंजाई के केस में काइटिन की बनी होती है, एल्गी के केस में सेल्यूलोज, मैनन्स, गैलेक्टन्स एंड कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, और प्लांट्स के केस में सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज की बनी होती है। जब हम लोगों ने प्रोकैरियोट्स देखा था तो प्रोकैरियोट्स के केस में भी सेल वॉल प्रेजेंट थी, वो किसकी बनी थी? पेप्टाइडो ग्लाइकेन की बनी थी। तो ये हम लोगों ने देखा कि कैसे किन सेल वॉल प्रेजेंट है, किस किस में, और मॉलिक्यूल्स कौन कौन से इसमें अरेंज है। अब हम लोग सेल वॉल की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो क्या देखते हैं हम लोग? प्रॉपर्टी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल का क्या नेचर है। तो सबसे पहले तो सेल वॉल कैसी होती है हमारी, जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि सबसे पहले सेल को किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने। किसमें देखा था? कॉर्क में देखा था, जो क्या था? प्लांट सेल था। और उन्होंने किसको ऑब्जर्व करा था? सेल वॉल को ऑब्जर्व करा था, क्योंकि वो एक डेड सेल था। तो जो ऑब्जर्व करा वो क्या था? बाहर की सेल वॉल थी, जिसकी वजह से उसके अंदर उन्होंने क्या देखा? कुछ भी प्रेजेंट नहीं था, एक लिटिल एम्प्टी लिटिल कंपार्टमेंट्स थे। तो सेल वॉल का नेचर कैसा होता है? ये कैसी होती है? डेड होती है। पहले तो सेल वॉल कैसी होती है? डेड होती है। दूसरा, ये हाईली परमिएबल होती है। जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हम लोगों ने क्या देखा था? परमिएबल नॉन परमिएबल नेचर समझा था, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल थे। इसका मतलब जो कुछ ही से वो सेलेक्ट करते थे कि कैसा मॉलिक्यूल्स अंदर आएगा या क्या नहीं आएगा। सपोज मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, अनचार्ज मॉलिक्यूल्स, या कुछ चार्ज, या कुछ बड़े छोटे, तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर एंट्री नहीं दे रहा था, क्योंकि वो सेलेक्टिवली परमिएबल था। और यहाँ पे जो सेल वॉल है हमारी, वो कैसी होती है? हाईली परमिएबल होती है, यानी कोई भी मॉलिक्यूल्स के अंदर एंटर कर सकता है बहुत ही आराम से। दूसरा, ये कैसी होती है, इसका नेचर कैसा होता है? हाईली रिजिड होती है, जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। तो आपसे पूछा जाएगा अगर कि सेल में वो कौन सा मॉलिक्यूल है, वो सेल वॉल, साइटोप्लाज्म या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, सेल को एक स्ट्रक्चर दे रहा है। जैसे हम जानते हैं सेल का ये स्ट्रक्चर है, उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो सेल को जो स्ट्रक्चर है प्रोवाइड, बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया, वो किसकी मदद से मिला है हमें? सेल वॉल की मदद से, क्योंकि कैसी होती है? रिजिड नेचर की होती है। तो क्या देखा हम लोगों ने? सेल वॉल का स्ट्रक्चर, सेल वॉल कैसा है, का नेचर कैसा है? वो रिजिड है, और जिसकी वजह से वो एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है।
क्योंकि ये सबसे बाहरी लेयर है, तो ऑटोमेटिकली जो बाहर सबसे लेयर प्रेजेंट होगी, जैसे आपका घर होता है तो घर में आप बाहरी जो दीवारें बनाते हैं, दरवाजे बनाते हैं, वो आपको ही सबसे प्राइमरी प्रोटेक्शन का काम कौन करता है, वही दीवारें करती हैं जो सबसे बाहर प्रेजेंट होती हैं, वो अंदर के एनवायरनमेंट को आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं बाहरी एनवायरनमेंट से। तो सेल प्लांट तो यूकैरियोटिक सेल्स में क्या देखा, सबसे पहले सबसे बाहर कौन सी लेयर प्रेजेंट थी, सेल वॉल की लेयर प्रेजेंट थी, इसका मतलब ये क्या काम कर रही है, प्रोटेक्शन का, क्या काम कर रही है ये, प्रोटेक्शन का। तो हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ सेल वॉल में क्या देखा कि सेल का नेचर कैसा होता है, वो डेड होती है, हाईली परमिएबल होती है, किसी भी मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर एंट्री दे देगी, रिजिड होती है काफी, जिसकी वजह से स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, और क्या काम करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है। तो यहाँ तक कि हम लोगों ने इसके प्रॉपर्टीज को देखा, आगे समझते हैं कि जो सेल वॉल है वो उसमें कितनी लेयर प्रेजेंट है और कैसे एक दूसरे से उसकी की, जैसा कि श्वान शील्डर और श्वान जब हम लोगों ने जिन्होंने सेल थ्योरी दी थी, तो जो बॉटनिस्ट थे शील्डर, उन्होंने बताया था कि जो प्लांट्स है वो किसके बने हुए हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स के बने हैं। तो जब प्लांट जब वो कई ग्रुप ऑफ सेल्स होंगे तो आपस में इंटरैक्ट करेंगे, तो कैसे दोनों सेल कई सेल्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं, कैसे मॉलिक्यूल्स इसमें अरेंज हुए हैं और कैसे उनकी लेयर्स है, उसके बारे में अब हम लोग डिटेल में देखते हैं। तो यहां हम लोग क्या समझेंगे, लेयर्स ऑफ सेल। तो हम लोग ने देखा जो हमारी सेल है उसमें बाहर एक लेयर प्रेजेंट है, अंदर उसके एक और लेयर प्रेजेंट है, उसके अंदर एक और लेयर प्रेजेंट है, और सबसे अंदर क्या प्रेजेंट है, सबसे अंदर प्रेजेंट है हमारा क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये स्ट्रक्चर क्या है हमारा सेल वॉल का, ये स्ट्रक्चर है हमारा सेल वॉल का। तो इसमें हम लोग क्या चीज देखते हैं, क्या क्या प्रेजेंट है, तो हम लोगों ने क्या देखा, सबसे बाहर क्या प्रेजेंट था हमारा, सबसे बाहर प्रेजेंट था जो लेयर वो क्या थी, ये हमारा क्या है, ये हमारा सेल मेम्ब्रेन, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं आप लोग, ये क्या हमारा सेल मेम्ब्रेन। तो क्या हम लोग सेल में देखते हैं कि सबसे बाहर एक लेयर प्रेजेंट है, वो क्या है हमारी प्राइमरी सेल वॉल, ये क्या है प्राइमरी सेल वॉल है। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्राइमरी सेल वॉल के बीच में हम क्या देखते हैं कि दो लेयर और प्रेजेंट है, तो ये क्या है हमारी, ये है हमारी सेकेंडरी सेकेंडरी लेयर ऑफ सेल वॉल, ये क्या है सेकेंडरी सेल वॉल, ये क्या है हमारा सेकेंडरी सेल वॉल, और उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, सबसे अंदर क्या प्रेजेंट है, टर्शरी सेल वॉल। तो हमने क्या देखा कि सेल वॉल के सेल वॉल किसकी बनी हुई है, सेल वॉल में तीन लेयर प्रेजेंट है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी। क्वेश्चन आपसे कहाँ कंफ्यूज करेगा, आपसे पूछा जाता है कि जो सेकेंडरी लेयर है क्या वो प्राइमरी लेयर के बाद में बनी है या प्राइमरी लेयर के पहले। तो जो सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर है, जो हम लोग सेल को देखेंगे तो सेल वॉल में आउटर मोस्ट पे सबसे पहले प्राइमरी लेयर प्रेजेंट होगी, उसके अंदर सेकेंडरी लेयर प्रेजेंट होगी, उसके अंदर टर्शरी लेयर प्रेजेंट होगी, और फिर क्या प्रेजेंट होगा हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कि फिर क्या प्रेजेंट होगा हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जो हमारी जो प्राइमरी सेल वॉल की लेयर प्रेजेंट हुई है, जैसे कि जब आपका प्लांट यंग एज में होता है, न्यू बॉर्न कोई प्लांट होता है, तो उसमें प्राइमरी सेल वॉल की लेयर प्रेजेंट होती है, और वो धीरे धीरे क्या होती है, ये धीरे धीरे डीजनरेट कर जाती है, ये धीरे धीरे डीजनरेट कर जाती है, फिर केवल सेकेंडरी वॉल और टर्शरी वॉल ही बचती है। टर्शरी वॉल भी ज़रूरी नहीं है कि हर प्लांट्स के केस में प्रेजेंट हो, सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है वो हर प्लांट्स के केस में प्रेजेंट होती है, जो प्राइमरी सेल वॉल होती है वो यंग जो प्लांट्स होते हैं उसके केस में प्रेजेंट होती है, वो धीरे धीरे डीजनरेट हो जाती है। तो अब हम इसका नेचर समझते हैं, ये हम लोगों ने जो प्राइमरी, अब हम क्या समझते हैं इसका नेचर समझते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। जो पहले हम लोग बात करते हैं अपनी किसकी, प्राइमरी, जो हमारी प्राइमरी सेल वॉल की लेयर थी,
पहले हम लोग बात करते हैं प्राइमरी सेल वॉल की लेयर की। तो जो प्राइमरी सेल वॉल की लेयर थी पहले, तो वो अर्ली स्टेज में प्रेजेंट होती है और फिर क्या करती है, डीजेनरेट हो जाती है। फिर लेटर ऑन क्या हो जाती है, डीजेनरेट, लेटर ऑन डीजेनरेट हो जाती है। सेकेंडरी लेयर ऑफ, और ये कैसी होती है, ये हाईली परमेबल होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया जो सेल वॉल का नेचर कैसा था, परमेबल नेचर का था, इसका मतलब कोई भी मॉलिक्यूल इसके अंदर एंटर कर सकता था बहुत ही आराम से। तो ये कैसी नेचर की होती है, ये परमेबल नेचर की होती है। ये बात हो गई हमारी प्राइमरी प्राइमरी वॉल की। अब हम लोग सेकेंडरी वॉल को देखते हैं। अब हम लोग सेकेंडरी वॉल को समझते हैं। तो पहली बात तो आपको आपको ये देखना है कि सबसे बाहर प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट होगी और उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्राइमरी वॉल के बीच में ये जो नई लेयर का फॉर्मेशन है वो सेकेंडरी वॉल और टर्शरी वॉल अंदर की तरफ फॉर्म हुई है। इसका नेचर देखते हैं। ये सेल वॉल जो सेकेंडरी सेल वॉल है सारे प्लांट्स के केस में प्रेजेंट होगी, लेकिन इसका नेचर कैसा होता है, हाईली इम्परमेबल नेचर की होती है। ये हाईली इम्परमेबल नेचर की होती है। क्यों इम्परमेबल नेचर की हुई है, क्योंकि ये जिस मॉलिक्यूल की बनी है वो है हमारे लिगेनिन एंड सुबेरिन। लिगेनिन और सुबेरिन मॉलिक्यूल से मिलकर के ये बनी हुई है, जिसकी वजह से ये ऐसे मॉलिक्यूल से जो बहुत ही टफ और बहुत ही रिजिड है, इनके अंदर इतनी क्रॉस लिंकिंग हुई है जिसकी वजह, और ये इतने थिक होते हैं जिसकी वजह से भी इसके अंदर इतनी थिकनेस होती है और मॉलिक्यूल्स आपस में इतने ज़्यादा इंटरैक्ट होते हैं, इंटैक्ट होते हैं कि वो ऐसी लेयर फॉर्म कर देते हैं जिसकी वजह से अंदर से बाहर या बाहर से अंदर कोई भी मॉलिक्यूल्स एंटर नहीं कर सकता है। ये हाईली इम्परमेबल होते हैं, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन फिर भी सेलेक्टिवली परमेबल थे, कुछ मॉलिक्यूल्स को एंटर एंटर उसके अंदर आ सकते थे, लेकिन ये जो सेकेंडरी सेल वॉल की लेयर है ये हाईली इम्परमेबल है। किसकी वजह से, क्योंकि जिस मॉलिक्यूल्स की बनी हुई है लिगनिन और सुबरिन, जिसकी वजह से इसको इम्परमेबल नेचर प्रोवाइड किया है। और ये और फिर हम लोग नेक्स्ट हम लोग टर्शरी वॉल को देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग जो हमारी टर्शरी वॉल है ये भी किस नेचर की होती है, ये भी हाईली इम्परमेबल है, क्योंकि ये भी किसकी बनी होती है, ये भी हाईली इम्परमेबल है, ये किसकी बनी होती है, लेगनेन और सुबेरिन की। ये भी लेगनेन और सुबेरिन की बनी होती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर केस में प्रेजेंट हो, ये एब्सेंट भी हो सकती है, प्रेजेंट और मे नॉट बी प्रेजेंट, प्रेजेंट और मे नॉट बी प्रेजेंट और प्रेजेंट और मे बी एबसेंट। ये ज़रूरी नहीं है कि हर प्लांट्स के सेल्स के केस में टर्शरी लेयर का फॉर्मेशन हो। तो ये हम लोगों ने बात कर ली लेयर्स की, कैसे सेल वॉल में प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी लेयर का फॉर्मेशन हुआ है, और इसकी कुछ प्रॉपर्टी देख ली कि जो प्राइमरी लेयर है सेल वॉल की वो अर्ली स्टेज में बनती है और लेटर ऑन डीजनरेट कर जाती है और हाईली परमेबल है। उसी जगह जब हम लोगों ने सेकेंडरी और टर्शरी वॉल को देखा तो ये दोनों कैसी थी, इम्परमेबल नेचर की थी, और ये और इम्परमेबल नेचर किसकी वजह से था, लिगनिन और सुबेरिन मॉलिक्यूल्स की वजह से था। अब जब हम लोग ने जैसे कि देखा, जैसा कि शील्डन ने बनाया तो बताया था कि ग्रुप ऑफ जो प्लांट्स के सेल्स है वो ग्रुप ऑफ सेल्स से मिलकर के बने हुए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है फिर ये मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरैक्ट कैसे करेंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि ये सेल वन थी और ये थी हमारी सेल टू, तब ये मॉलिक्यूल्स आपस में कैसे इंटरैक्ट करेंगे, तो इनके बीच में एक लेयर और प्रेजेंट होती है। ये क्या है, हमारी ये सीमेंटिंग लेयर है, यानी उन दोनों सेल्स को आपस में जोड़ने का काम करती है। ये क्या है हमारी, ये है हमारा मिडिल लैमिला, इसको कहते हैं हम लोग मिडिल लैमिला। और ये किसका बना हुआ होता है, ये कैल्शियम पेक्टेट या फिर मैग्नीशियम पेक्टेट, ये कैल्शियम पेक्टेट या मैग्नीशियम पेक्टेट का बना होता है। तो ये हमारा सेल वन था। ये हम लोग ने सेल का स्ट्रक्चर देखा कि सेल जो सेल वॉल सेल का स्ट्रक्चर देखा कि सेल वॉल के
में तीन लेयर प्रेजेंट थी, तो यही। और इसके बीच में जैसे ग्रुप ऑफ सेल्स से प्लांट बने हुए थे, तो हम लोग इसके कई सारे सेल्स होंगे, ये सेल्स आपस में इंटरैक्ट कैसे करते हैं, आपस में कैसे जुड़े रहते हैं, तो ये तो इन सभी सेल्स के बीच में आपस में क्या प्रेजेंट होती है, मिडिल लैमेला प्रेजेंट होता है। ये कैसी है, सीमेंटिंग लेयर है। क्यों क्यों ये सीमेंटिंग लेयर है, क्योंकि ये क्या काम कर रही है, दो सेल्स को आपस में जोड़ने का काम कर रही है। और इसका नेचर कैसा है, ये कैसी होती है, ये भी हाईली परमिएबल होती है। जैसा कि हमने क्या देखा, सेल वो जब हम लोगों ने सेल वॉल देखा तो क्या देखा कि जो प्राइमरी सेल वॉल की लेयर थी वो परमेबल नेचर की थी, और जो मिडिल लैमेला हम लोग देख रहे हैं ये परमेबल नेचर का है। बाकी जो सेकेंडरी और टर्शरी वॉल है ये कैसी है, हाईली इम्परमेबल नेचर की है। पेक्टेट एक और काम करता है कि सरफेस में रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। जैसे कि आप देखते हैं, सब टमाटर को देखते हैं, तो अपने फ्रेश टमाटर जब नया टमाटर लिया होता है तो उसकी जो आउटर या जो उसकी थिकनेस होती है या जो वो कितना टफ होता है, धीरे धीरे आप देखते हैं कि जब वो पक जाता है या टाइम आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम उसकी जो थिकनेस होती है वो धीरे धीरे लूज होने लगती है। क्यों, क्योंकि जो पेक्टेट है वो कहीं ना कहीं रिजिडिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो उसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे, जैसे पेक्टिनेज। तो आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम पेक्टिनेज पेक्टेट पे वर्क करेंगे, जिससे वो धीरे धीरे लेयर उसकी कम होने लगेगी, जिसकी वजह से वो लूज होने लगेंगे। तो एक तरीके से एक और इनका फंक्शन क्या हुआ, ये क्या प्रोवाइड करते हैं, रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं। ये क्या प्रोवाइड करते हैं, रिजिडिटी। तो मिडिल लैमेला का काम क्या हो गया, दो लेयर्स को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, और हाईली परमेबल नेचर के होते हैं, और किसके बने होते हैं, मैग्नीशियम पैक्टेट और कैल्शियम पैक्टेट के। मेनली इसका इंग्रीडियंट इंग्रीडियंट जो है मेनली पैक्टेट के ही बने हैं, जो कि क्या प्रोवाइड कर रही है, रिजिडिटी प्रोवाइड कर रही है। तो ये हम लोगों ने देख ली कि सेल वॉल कैसे आपस में जुड़े हुए हैं और उनकी लेयर कैसी है। अब ये मॉलिक्यूल्स का इंटरेक्शन कैसे हो, कैसे कुछ मॉलिक्यूल्स इधर से, सॉरी, कुछ मॉलिक्यूल्स इधर से इधर मूव करेंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स इधर से इधर ये आपस में इंटरेक्ट कैसे करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि चलो ये जो प्राइमरी जो हमारा प्राइमरी सेल वॉल की लेयर थी और जो मिडिल लैमेला था ये तो परमेबल नेचर के थे, तो हमें ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि फिर तो आपस में एक दूसरे, जब भी परमेबल नेचर के हैं तो यहाँ से यहाँ मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल यहाँ से, चाहे सेल वन में वन सेल से दूसरे सेल में डालना हो या दूसरे सेल से पहले सेल में डालना हो, ये तो आपस में इंट्रैक्ट कर ही लेंगे, क्योंकि ये तो परमेबल नेचर के हैं। लेकिन क्या केवल यही प्रेजेंट है, इसके अंदर तो सेकेंडरी और टर्शरी वॉल भी प्रेजेंट है, जो कि कैसी, इम्परमेबल नेचर की है, जो कि मॉलिक्यूल्स को एक सेल से दूसरे सेल में इंटरैक्ट होने नहीं देगी। तो अब हम लोग इसके कनेक्शंस को देखते हैं कि फिर कैसे इसके कनेक्शंस पॉसिबल हो पाए हैं। तो हम लोग कनेक्शंस देखते हैं, जैसा कि दो लेयर पहले तो फॉर्म कर लेते हैं अपनी, ये हमारा एक है, एक सेल है, ये हमारी दूसरी सेल है, ये क्या हमारा सेल वन, और ये हमारी सेल टू। बीच में क्या प्रेजेंट है, बीच में प्रेजेंट है मिडिल लैमेला, ये क्या प्रेजेंट है, ये है हमारा मिडिल लैमेला, क्या काम कर रहा है, इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, सीमेंटिंग लेयर फॉर्म कर रहा है। ये दोनों कैसी हो गई, अब ये क्योंकि सबसे बाहर प्रेजेंट है तो ये क्या हो गई हमारी, ये हो गई हमारी प्राइमरी सेल वॉल की लेयर हो गई। अब अंदर क्या प्रेजेंट होगा, अंदर प्रेजेंट होगी, ये हो गई हमारी सेकेंडरी लेयर, ये क्या हो गई हमारी सेकेंडरी लेयर, उसके अंदर क्या हो गया, उसके अंदर हुई हमारी, ये हुई हमारी टर्शरी लेयर, इसके अंदर क्या फॉर्म हुई, टर्शरी लेयर, और सबसे अंदर क्या प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो क्या देखा हम लोगों ने, ये क्या है हमारी, ये है सेकेंडरी सेल वॉल की जो लेयर है, ये है हमारा टर्शरी सेल वॉल की लेयर,
और अंदर क्या प्रेजेंट है? ये है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो क्या देखा हम लोगों ने? हम सब जानते हैं कि ये जो जो प्राइमरी सेल वॉल की लेयर है और जो मिडिल लैमेला है, भाई ये दोनों तो मॉलिक्यूल्स को आपस में इंटरेक्ट करने देंगे क्योंकि परमेबल नेचर के हैं। दिक्कत कौन करेगा? सेकेंडरी और टर्शरी सेल वॉल, क्योंकि सुबेरिन और लिग्निन की बनी होती है जिसकी वजह से ये हाईली इम्परमेबल है। अब मॉलिक्यूल्स का इंटरेक्शन कैसे हो? तो इन्हीं कनेक्शंस में हम लोग देखते हैं कि कैसे ये कनेक्शंस फॉर्म करेंगे जिसके थ्रू ये मॉलिक्यूल्स का इंटरेक्शन करते हैं। तो जब हम लोग ने कनेक्शंस की बात करी तो यहाँ कनेक्शंस भी दो टाइप के थे हमारे। ये हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग कनेक्शंस कनेक्शंस तो कनेक्शंस भी हमारे, क्योंकि जैसा कि जब इंटरेक्शन की बात हो रही है तो खाली सेल वॉल के लिए तो इंटरेक्ट करेगी नहीं भाई, अंदर केवल यही मॉलिक्यूल्स तो इंटरेक्ट करेंगे नहीं, अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, बल्कि मेन मॉलिक्यूल्स तो अंदर ही होते हैं, ये भी तो आपस में इंटरेक्ट करेंगे। तो उसके बेसिस पे ही जो जो इंटरेक्शन था वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ था, एक हमारे डेड कनेक्शंस थे और एक हमारे लिविंग कनेक्शंस थे। तो डेड कनेक्शन क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि कैसे प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी वॉल जो सेल वॉल की वो इन्वॉल्व हो रही है कनेक्शन में। तो जैसा कि हम जानते हैं जो सेल वॉल का नेचर कैसा होता है, डेड होता है, इसी वजह से इन्हें डेड कनेक्शंस कहेंगे। आगे हम देखेंगे कि कैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए आपस में इंटरेक्ट कर रही है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा है? हमारा लिविंग नेचर का है, तो उसके बेसिस पे हम लोगों ने इसको लिविंग कनेक्शंस कहा। तो अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? तो यहाँ पे अभी हम लोग डेड कनेक्शंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ इसमें हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? डेड कनेक्शंस की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या इन्वॉल्व हो रहा है? सेल वॉल, जो कि कैसी है? डेड है। तो क्या होता है यहाँ पे? फिर कुछ पार्ट यहाँ पे रिमूव हो जाता है, कुछ पार्ट यहाँ पे रिमूव कर दिया गया। तो हम लोगों ने क्या देखा? सेकेंडरी और टर्शरी जो वॉल थी, जो हमारी सेकेंडरी और टर्शरी वॉल थी, उसका कुछ कुछ पार्ट इन्होंने रिमूव कर दिया। इसी रिमूवल वाले पार्ट को क्या कहते हैं हम लोग? इसी रिमूवल वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं पिट्स। तो देख रहे हैं आप, सेकेंडरी और टर्शरी वॉल रिमूव है क्योंकि इन्हीं को रिमूव करने की जरूरत है, यही इम्परमेबल नेचर के थे। तो ये जो रिमूवल हम लोगों ने देखा है, यही क्या फॉर्म हुआ है? इसी को कहते हैं हम लोग पिट्स। पिट्स क्या है? ये रिमूवल ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शरी वॉल, इसी को कहते हैं हम लोग पिट्स। तो ये पिट्स जब हम लोगों ने क्या करा, इनके कुछ कुछ जगह पे इस तरीके से सेकेंडरी और टर्शरी वॉल रिमूव कर दिए, इन्हीं को पिट्स बोला गया। और इसके थ्रू अब यहाँ जो मॉलिक्यूल्स है उसका इंटरेक्शन आप आराम से हो जाएगा। मॉलिक्यूल्स यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, ये पिट्स भी दो तरीके की फॉर्म होती है। जब ये सेल आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे लेटरल साइड, जब ये पिट्स रिमूव होंगे सेकेंडरी और टर्शरी वॉल की लेयर, तो ये जब ये हॉरिजॉन्टली जब ये लेटरल एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे तो ये रिमूवल, इसको हम लोग कहते हैं सिंपल पिट्स। और यही जब यहाँ पे जब यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स इनके रिमूव होंगे, यहाँ पे इनके कुछ मॉलिक्यूल्स रिमूव होंगे ऐसे अंदर की तरह, इस तरीके से ये इस तरीके से रिमूव हुए हैं। अब क्या यहाँ पे, तो ये इन्होंने क्या फॉर्म कर लिया? ये हो गई दूसरी तरीके की पिट्स, क्या कहते हैं इसे? बॉर्डर्ड पिट्स। हालांकि इन दोनों की वजह से काफी ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं आया है, लेकिन आप देख रहे हैं इस तरीके का फॉर्मेशन होता है। तो जब ये यहाँ की लेयर हटेगी आपस में, तो ये क्या है हमारे? ये क्या थे हमारे? ये है हमारे सिंपल पिट्स। और ये क्या थे हमारे? जब इधर की लेयर हटी तो ये थे बॉर्डर्ड पिट्स। पिट्स मतलब रिमूवल ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शरी वॉल। तो ये क्या है हमारे? यहाँ वक्त का रिमूव हुआ, तो ये है बॉर्डर पिट्स लोकेशन के बेसिस पे। और जब यहाँ के जिब रिमूव होते हैं तो इन्हें क्या कहते हैं हम लोग? सिंपल पिट्स। तो ये बात कर ली हम लोगों ने किसकी? डेड कनेक्शंस की। ये हम लोगों ने किसकी बात कर ली? डेड कनेक्शंस की। अब हम लोग किसकी बात करेंगे? लिविंग कनेक्शन की। तो वैसे हम लोग लेयर का फॉर्मेशन करेंगे।
ये हो गई हमारी सेल वन, ये हो गई हमारी सेल टू। ये तो जो ये प्राइमरी लेयर है, इसका मतलब यहाँ पे कनेक्शंस, यहाँ पे परमेबल नेचर शो करेगा। नेक्स्ट है हमारा, ये हमारी सेकेंडरी वॉल है, उसके अंदर ये हमारी टर्शियरी वॉल है, और अंदर बीच में क्या प्रेजेंट है, बीच में प्रेजेंट है क्या, मिडिल लैमेला है। जो भी तो यहाँ पे मिडिल लैमेला, ये भी परमिएबल नेचर का, ये जो मेरी प्राइमरी लेयर है ये भी परमिएबल नेचर की है। अंदर क्या प्रेजेंट है हमारा, अंदर प्रेजेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, लिविंग कनेक्शंस की, लिविंग कनेक्शन की बात कर रहे हैं। यहाँ क्या ऑब्जर्व करा हम लोगों ने, अब इसके केस में क्या होता है, क्यों इन्हें लिविंग कनेक्शन कहा गया, क्योंकि यहाँ पे ये मॉलिक्यूल्स आपस में जा करके इन्हें इंटरैक्ट करने लगता है, और ये पार्ट जो बीच का इसे क्या करता है, रिमूव कर देता है। और इंटरैक्ट क्या होता है आपस में, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो क्या देखा हम लोगों ने, यहाँ पे क्या कौन इन्वॉल्व हुआ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वॉल्व हुआ है। इसी वजह से ये क्या है हमारे, ये क्या है हमारे लिविंग लिविंग कनेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे आप, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो मॉलिक्यूल्स है वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे। तो ये मिडिल लैमेला और इसके लेयर हटाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी परमेबल नेचर के होते हैं। लेकिन यहाँ पे प्लाज्मा में, ओके, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही नहीं, आपको पता है बीच में क्या प्रेजेंट होता है, इसके बीच में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। और न्यूक्लियस के बाहर क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट होता है क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक, केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही नहीं बल्कि इसके जो अंदर जो, क्योंकि न्यूक्लियस के सबसे किनारे बाद में क्या प्रेजेंट होता है, सबसे पास में प्रेजेंट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ अंदर के जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लेयर हैं ये भी आपस में इन्वॉल्व हुए। तो ये जो कनेक्शन इन्होंने फॉर्म किया है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसे, इस जो, ये जो हम लोगों ने कनेक्शन फॉर्म करा है, इसी को कहते हैं हम लोग क्या, प्लास्मोडेस्माटा। क्या कहते हैं इसको हम लोग, प्लास्मोडेस्माटा। डेस्माटा का मतलब होता है, जैसे हम लोग वर्ड ब्रेक करेंगे तो डेस्माटा का मतलब होता है साइटोप्लाज्मिक कंटेंट का मिलना, और प्लाज्मा का मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिल रही है, क्योंकि तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर आपस में मिल रही है, इसी वजह से इसको क्या बोलता है, इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ये जो हुआ है ये इतना पार्ट, ये है क्या हमारा प्लास्मोडेस्माटा। और ये जो ऐसा ट्रिब्यूल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म किया है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डेस्मो ट्रिब्यूल। क्या बोलते हैं, डेस्मो ट्रिब्यूल। तो ये जो आपस में इंटरेक्शन हुआ है ये क्या है हमारा प्लास्मोडेस्माटा, और जो ट्रिब्यूल लाइक स्ट्रक्चर जुड़ने पे इन्होंने फॉर्म किया, ये है हमारे डेस्मो ट्रिब्यूल्स। तो ये बात हो गई लिविंग कनेक्शन की। तो आज का लेक्चर यहीं तक ही, आई होप आपको सेल वॉल से रिलेटेड जो भी क्वारी रही हो, जो चीज़ें समझ में नहीं आई हो, वो सारी क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग इसके, जैसे प्रोकैरियोटिक सेल को हम लोगों ने पढ़ा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवर करा, आज सेल वॉल का टॉपिक कवर करा है। अब ही नहीं, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो भी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, इन सबको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो हमारे आगे के लेक्चर्स को देखने के लिए प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।